हम लोग करेंगे झारखंड की जनसंख्या। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। तो झारखंड की कुल जनसंख्या है 3298813 4। फिर झारखंड की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंटेज है, तो ये है 2.72%। फिर झारखंड की कुल जनसंख्या में महिला प्रतिशत कितना है, तो इसका आंसर होगा 46.68%। फिर झारखंड के कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है, तो इसका आंसर है 51.32%। अब करेंगे झारखंड के कुल कितनी परसेंटेज जनसंख्या शहरों में निवावन करती है, तो इसका आंसर 24.05%। फिर किस जिला में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, कौन से ज़िला में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, तो इसका आंसर है लोअर दग्गा में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद है, तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो इसका आंसर है 414 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। इसमें क्वेश्चन था मतलब झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो इसमें 414 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। फिर झारखंड घटाव जिले में संदिग्ध जन घटव पाया जाता है, उस जिले का जन घटव कितना है, तो इसका आंसर है 1316। फिर लास्ट और फिर क्वेश्चन है झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो इसका है 948। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का शिक्षित दर कितना है, तो इसका आंसर है 66.41%। फिर है झारखंड के किस जिले में कम अनुसूचित जाति पाई जाती है, मतलब झारखंड के किस जिले में कम अनुसूचित पाई जाती है, तो इसका आंसर लोहरदगा है। फिर झारखंड की किस जिले में अनुसूचित जनगणना जाति का प्रतिशत उचित है, तो इसका आंसर है खूरी 73.25%। फिर झारखंड के किस जिले में कम अनुसूचित जाति पाई जाती है, तो इसका आंसर है कोडरमा। फिर झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक नागरीय जनसंख्या का परसेंटेज पाया जाता है, तो इसका आंसर है धनबाद। फिर है झारखंड की सर्वाधिक दैनिक व्यक्ति पर वाला जिला कोडरमा है, इस जिले की 10 के जनसंख्या व्यक्ति दर क्या है, तो इसका आंसर है 43.42। थैंक यू।